हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल हील विद संदीप। आज हम लोग एक सेशन चालू करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली ये है कि आप लोग अपनी कुंडली कैसे देखें, मतलब आप खुद से अपनी कुंडली कैसे देख सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही लेंदी एस्ट्रोलॉजी टॉपिक है, लेकिन मैं इसे आसान चीज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा, और इसके ऊपर बाकी के जो मेरे वीडियोज़ हैं वो आते रहेंगे, तो जिसे आप फॉलो करके चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले, जब भी आप कभी ऑनलाइन सर्च करते हैं तो कुंडली कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अगर आपकी जन्म कुंडली भी बनी हुई है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। रही बात साउथ इंडियन कुंडली, वो थोड़े से बॉक्सेस के रूप में दिखाई देती है, वो थोड़ी सी इसमें डिफरेंट रहता है। इसके अंदर हमारे हाउसेस फिक्स रहते हैं, राशियाँ मूव करती हैं, वेयर एज साउथ इंडियन कुंडली में राशीज फिक्स रहती है, हाउसेस मूव करते हैं। तो ये दोनों में ये इतना है, ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं कि हाउसेस क्या होते हैं और ये फिक्स रहते हैं। अब देखते हैं कि कुंडली जब हमें दिखती है तो हम कैसे उसे आइडेंटिफाई करें। तो देखो, देखने में आपको ऐसा डिज़ाइन का कुंडली मिलेगा। सबसे पहले आपको ये देखने हैं कि हाउसेस कौन कौन से होते हैं। तो आप, ये फिक्स रहता है हमेशा, आंख बंद करके आप जब भी कोई कुंडली देखें, ये हाउसेस हमेशा फिक्स रहेंगे। कईयों में लिखा होता है हाउसेस के नंबर में, कई कुंडलियों में हाउसेस के नंबर नहीं लिखे होते। तो सबसे पहले हाउसेस के नंबर देख लेते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कुंडली देख लेनी है। कुंडली देखने के बाद में हाउसेस नंबर को दिमाग में बिठा लेना है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है। ये हाउसेस के नंबर है, इसको दिमाग में फिक्स कर लेना है कि ये होते हैं। अगर आपको खाली चार्ट भी मिले तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि ये हाउस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, इस तरह से आपको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि हाउसेस हमेशा फिक्स होते हैं। अब मेन चीज़ है, पहली चीज़ क्या करनी है आपको, दिमाग में हाउसेस रखने। कोई भी कुंडली देखने के लिए सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है आपको, हाउसेस रखने हैं। हाउसेस जब आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएं, उसके बाद में आपको क्या दूसरी चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो जो याद रखनी है कि आपको 12 राशियों का सीक्वेंस याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, 12 राशियों का सीक्वेंस याद रखना। ये ऐसा मैं आपको PDF दे दूंगा, आप नीचे कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा ये क्लास कैसी लगी, उस हिसाब से मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूंगा। तो 12 राशियों का सीक्वेंस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि, जो भी आप कभी होरोस्कोप ऑनलाइन वगैरह देखेंगे, ऑनलाइन अगर आप होरोस्कोप वगैरह देखते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि आप देखेंगे कि ये राशियाँ हमेशा सीक्वेंस में होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहली आती है एरिस, एरिस बोलते हैं मेष राशि को, ओके। दूसरी राशि आती है टॉरस, जिसको हम वृष या वृषभ राशि भी बोलते हैं, ओके। थर्ड आती है मिथुन, मिथुन। फोर्थ राशि आपकी जो आती है वो है कर्क, कर्क राशि। पांचवी जो आती है वो आती है सिंह। ये सीक्वेंस ध्यान रखना, आगे पीछे नहीं करना इनको, ये बहुत जरूरी चीज है। सिंह, फिर आती है आपकी वर्गो, जो कि कन्या राशि है। फिर आती है तुला राशि, फिर आती है वृश्चिक राशि, फिर आती है आपकी धनु राशि, फिर आती है आपकी मकर राशि, फिर आती है कुंभ और आती है मीन। कुंभ और मीन,
तो ये सीक्वेंस याद रखना है। पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, कोई भी कुंडली देखने से पहले आपको हाउसेस दिमाग में बैठा लेना है। अगर खाली कुंडली भी दिख रही है तो आपको पता होना चाहिए इसे पहला हाउस कहते हैं, दूसरा हाउस कहते हैं, तीसरा हाउस कहते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ये सीक्वेंस ऑफ राशियाँ याद रखना है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, कुंडली में हम क्या देखते हैं कि भाई उसका बिजनेस अच्छा रहेगा, पढ़ाई कैसी रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे हैं, एजुकेशन कैसी रहेगी, हस्बैंड कैसा रहेगा, वाइफ कैसी रहेगी, शादी कब होगी, ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखने की होती है हाउसेस के अकॉर्डिंग। हाउसेस के अकॉर्डिंग तीसरी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि इसके ट्रेट्स, इसके ट्रेट्स मतलब इसका मतलब क्या है। तो पहला हाउस कहता है सेल्फ, खुद के बारे में। पहला हाउस कहता है सेल्फ, खुद के बारे में कि वो कैसा व्यक्ति होगा, व्यक्ति विशेष कैसा है, वो दिखने में कैसा होगा, वो स्पिरिचुअल होगा कि नहीं होगा, क्या उसके अंदर अच्छाई है, क्या उसके अंदर बुराई है, ये सारा आपको सेल्फ में देखने को मिलेगा। दूसरा आप देखेंगे जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, रिलेशनशिप, रिलेटिव्स या रिलेशनशिप्स आप कह सकते हैं, रिश्तेदार, कम्युनिकेशन, सेविंग्स, ठीक है। तो ये सब कैसा रहने वाला है, ठीक है। बाकी जो थर्ड हाउस होता है वो एक्स्ट्रा स्ट्रगल को दर्शाता है, स्ट्रगल, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, नेगेटिविटी, नेगेटिव सिबलिंग्स, सिबलिंग्स के साथ में, भाई बहन के साथ में कैसा रिलेशन रहने वाला है। फोर्थ हाउस आपका मामा, मदर का होता है, मदर का होता है, लग्जरी का होता है, ओके। फोर्थ हाउस मदर का होता है, लग्जरी का होता है, ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद में आपका फिफ्थ हाउस एजुकेशन, चिल्ड्रन, लव अफेयर का होता है। ये मैं आपको लिखा हुआ पीडीएफ में दे दूंगा जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसको आप ऐसे भी याद करते हैं, जैसे मैंने देखा कि लग्न जो चार्ट अगर आप देख रहे हैं उसमें जो फर्स्ट हाउस, इसको लग्न चार्ट बोलते हैं बेसिकली, पहले मैं आपको बता दूं, तो लग्न में जो फर्स्ट ये सेंटर के हाउसेज होते हैं इनको इम्पॉर्टेंट हाउसेज बोले जाते हैं। इम्पॉर्टेंट हाउसेज 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट होते हैं। वन होता है सेल्फ के लिए, खुद के लिए। तो ये जो सेंटर वाले हैं ना, ये सारे खुद के लिए ही हैं। अब मैं बता देता हूँ कैसे। जो ये होता है ये तो अपने ट्रेट्स बताता है कि हम कैसे हैं। ये वाला मदर के ट्रेट बताता है या आपके सुख वैभव कैसे होंगे वो बताता है, ठीक है। फिर जो ये नंबर 7 होता है वो हस्बैंड कैसा होगा या वाइफ कैसी होगी, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता है। 10th हाउस जो होता है कि आप क्या काम करेंगे, आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, वो सब बताता है। तो ये चारों हाउस देख लो आप कितने इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रख लेना। जो सेंटर के चारों हैं वो खुद के लिए, और जो बाहर के सब हैं ये जैसे रिश्तेदार हो गए, सिबलिंग्स हो गए, इनके बारे में। तो यहाँ से शुरू करते हैं, रिश्तेदार, सिबलिंग, एक्स्ट्रा मेहनत, सॉरी रिश्तेदार कम्युनिकेशन के लिए होता है ये, एक्स्ट्रा मेहनत, मतलब सिबलिंग्स कैसे रहेंगे। फिर पांचवे नंबर पे आपका रहता है एजुकेशन, बच्चे या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसा रहेगा, स्टेटस क्या रहेगा। फिर पांचवे के बाद में छठा नंबर होता है नेगेटिव, लोन, एनिमी, ये सब रहेगा। तो ये आप देख सकते हो कि जो बाहर के कोने हैं ना वो नेगेटिव घर या हाउसेस कहलाते हैं। फिर उसके बाद में सारे नेगेटिव नहीं होते बट मोस्टली, ठीक है। आठवां हाउस डेथ का होता है या कितना स्ट्रगल है लाइफ में, कितने स्टडी करनी पड़ेगी, कितना कुछ है। तो एट्थ हाउस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें माना गया है। एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस ये दोनों ही नेगेटिव और कॉम्प्लिकेटेड से थोड़े से माने गए हैं, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस आपके लॉसेस, एक्सपेंसेस या फॉरेन अगर कोई जा रहा है तो हम लोग सीधा ट्वेल्थ हाउस को देखते हैं, ठीक है। रही बात आपका 9 और 11, 9 आपका भाग्य, मतलब 9 नंबर आपका सपोर्ट दर्शाता है, आपका भाग्य दर्शाता है, आपके फादर के रिलेटेड, फॉरेन टूर से रिलेटेड चीज़ें भी दर्शाता है 9 नंबर, ठीक है। और 11वां नंबर जो है वो पैसा दर्शाता है कि कितना पैसा आएगा ये वो। तो बेसिकली ये सेंटर वाला जो चीज़ है वो आपका खुद का है कि आप क्या हो, ठीक है। और जो बाहर वाला चीज़ है जो आपसे कनेक्टेड आउटकम्स आएंगे वो दिखाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें
आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो हमारा स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा कर लेते हैं कि पहला आपको क्या याद रखना है कि आपको ये ध्यान देना है कि आपके हाउसेस फिक्स हैं। मतलब अगर मैं ये खाली चार्ट लूं और इसके अंदर किसी का कुंडली भरूंगा तो मेरे को पता है ये हाउस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 12 है, तो ये हाउसेस मुझे पता होने चाहिए। दूसरी चीज़, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा हाउस से क्या बेनिफिट है। ये मैं लिखा लिखा है आपको दे दूंगा, तो आप उससे कंपेयर अपना चार्ट खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखने वाली थी वो सीक्वेंस ऑफ राशि होती है, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह से चार्ट दे दूंगा सीक्वेंस ऑफ राशि का। ये देखिए, सीक्वेंस ऑफ राशि का मैं चार्ट दे दूंगा जो कि आपको इजीली याद करने में आसानी होगी। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा सीक्वेंस है, अब जरूरी नहीं है कि पहले घर में मेष राशि ही हो। अब जिसकी भी जन्म कुंडली हो, लग्न कुंडली हो, लग्न कुंडली जो अब लग्न चार्ट जो बनाओगे उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं किसी का रैंडमली बर्थ चार्ट लेते हैं, तो किसी का बर्थ चार्ट में मान लीजिए उसका चालू होता है नंबर 4 से, ठीक है। तो नंबर 4 ऑटोमेटिकली ये सीक्वेंस चलता जाएगा, फिर पांचवा नंबर इधर आएगा, छठा नंबर इधर आएगा, सातवां इधर आएगा, आठवां इधर आएगा, नौवां इधर आएगा, दसवां इधर आएगा, ग्यारहवां इधर आएगा, बारहवां इधर आएगा, तेरहवां इधर आएगा, बारहवीं राशि के बाद में फिर से रिपीट हो जाएगा, तेरहवां की जगह 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो फिर से वो सीक्वेंस चालू हो गया। तो ये एक सर्कल में चलता है। ये चीज़ को आप मेमोराइज कर लो। मान लीजिए किसी के कुंडली में ऐसे रैंडम नंबर्स आते हैं, आप देखोगे, अपनी कुंडली भी देखोगे, तो यहाँ से लग्न हाउस जो लग्न है, ये लग्न हाउस है। कई लोग लग्न से डिनोट करते हैं, कई लोग ऐसे ऐसे करके भी डिनोट करते हैं इसको। तो ये जो यहाँ का जो नंबर है वो डिनोट करता है कि आपका कुंडली का स्वामी कौन है या आपको रूलिंग प्लैनेट कौन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कुंडली का, ठीक है। तो अब आपने देख लिया जो नंबर लिखे होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कुंडली में आप इतना समझ गए कि भाई नंबर लिखे हुए हैं, फिर आप कहोगे कि इसके अंदर तो प्लैनेट भी लिखे, उस पर भी आएंगे, बट उससे पहले हम लोग राशियों को समझते हैं, ठीक है। अब जो हमने ये सीक्वेंस ऑफ राशियां लिखी हैं, इनके स्वामी भी होते हैं। कौन होते हैं? स्वामी भी होते हैं, प्लैनेट्स इनके स्वामी होते हैं, ठीक है। अब ये राशियां आई कैसे, मैं ये भी समझा देता हूं कि राशियां आई कैसे। अब चलते हैं हमारे ब्रह्मांड की ओर। तो देखिए, हमारी ये पृथ्वी है, अगर आप पृथ्वी को केंद्र माने, क्योंकि हम लोग इसमें रहते हैं। वैसे तो आप सूर्य को केंद्र मानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लेकिन हम लोग अपने लिए देख रहे हैं तो हम इसको अपने आप को केंद्र मानते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, नवग्रह हैं, जिसको नवग्रह भी बोला जाता है। फिर आप आसमान में कभी भी रात के समय पे अगर आपकी छत खाली रहती हो, आप देखेंगे सितारे दिखते हैं जो कुछ एक खास पैटर्न्स बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ खास पैटर्न्स बनाते हैं। ये जो पैटर्न्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। तो ये जो नक्षत्र होते हैं ये टोटल कितने हैं? 27 नक्षत्र, ठीक है। ये ऐसे पूरे सर्कल में बने हुए हैं। इसके बाद में इन नक्षत्रों उसके डिग्रीज को, पहले तो एक इन नक्षत्रों के हिसाब को हम लोगों ने राशियां प्रदान करी हुई हैं। क्या प्रदान करी हुई हैं? राशियां डिवाइडेड हैं। अब इसको समझने के लिए आप ये देखो, आपकी जो घड़ी होती है, ठीक है, उसमें 12
घंटे होते हैं, उन घंटे में सेकंड्स होते हैं, वैसे ही आप सेकंड्स को नक्षत्र मान लो, ठीक है, और 12 राशियां मान लो, ठीक है, और जो 3 सुइयां होती हैं उनको आप प्लैनेट नव ग्रह मान लो, प्लैनेट्स मान लो, ठीक है। उसके बाद में माइक्रो लेवल पे अगर आप जहाँ पे दिन बाय डे डे देखो, ये प्लैनेट्स जो है ना और नक्षत्र जो है, इनको हम जांचते कैसे हैं, अब ये भी समझ, थोड़ा सा ये बहुत डीप टॉपिक है लेकिन मैं छोटे में समझाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ। तो जो आसमान में नक्षत्र दिख रहा है, उन नक्षत्रों को राशियाँ साइन है, उन राशियों के प्लैनेट्स कौन है, रूलिंग प्लैनेट हैं, वो दिए हुए हैं, फिक्स है। इस घड़ी को अंडरस्टैंड कर लोगे तो लाइफ में कोई भी दिक्कत ही नहीं आएगी और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आएंगे। तो ये जो क्लॉक है इसमें 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्रों को कंबाइन करके, जैसे आप दो 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 ऐसे करके दो ढाई ढाई नक्षत्र दिए हुए हैं, उस हिसाब से टोटल आपके आते हैं 12 राशियां। इन 12 राशियों के स्वामी भी हैं, पहले हम 12 राशियों के स्वामी की बात कर लेते हैं। तो इन 12 राशियों के स्वामी कौन कौन है, देखिए मेष राशि जो है उसका स्वामी है मंगल। हर राशियों के हर दो ग्रहों के पास में एक राशि ऑलमोस्ट है, किसी एक आदि को छोड़ करके। तो जो मेष राशि है उसका ग्रह कौन है, मंगल स्वामी है। वृषभ राशि का शुक्र ग्रह स्वामी है। मिथुन राशि का बुध ग्रह स्वामी है। कर्क राशि का चंद्रमा स्वामी है। सिंह राशि का सूर्य स्वामी है। कन्या राशि का बुध स्वामी है। तुला राशि का शुक्र स्वामी है। वृश्चिक राशि का मंगल स्वामी है। धनु राशि का गुरु स्वामी है। तो यहाँ पे आप देखो मंगल दोबारा रिपीट हो गया ना, मंगल मेष का भी है और वृश्चिक का भी है, बुध भी रिपीट हो गया, बुध किसका है, मिथुन का भी है और कन्या का भी है। तो इस तरह से ये चीज ध्यान देना। अब बताता हूँ आगे, मकर राशि का शनि है, कुंभ का भी शनि है, मीन राशि का गुरु है, ठीक है। सूर्य केवल एक का है, सूर्य केवल सिंह राशि का स्वामी है। अब देख लेते हैं इन स्वामियों से क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे हम लोगों ने एक कुंडली बनाई, उस कुंडली में हमने ये उसका लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में नंबर ऑलरेडी मेंशनड होते हैं। तो लग्न में फर्स्ट हाउस में क्या है, नंबर 4 है। नंबर 4 मतलब चौथे नंबर की राशि है, कौन सी राशि है, कर्क राशि, ठीक है, कर्क राशि, कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी कौन सा है, अभी अभी हमने देखा, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, मून। कर्क राशि का स्वामी कौन है, मून है, ठीक है। ये कौन सा हाउस है, क्या है, सेल्फ का, जिसके अंदर कर्क राशि चंद्रमा है। तो ये व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा का कैसा प्रभाव पड़ेगा वो ये राशि डिसाइड करेगी। अभी बहुत इन डेप्थ है बट पहले हम लोग इतना समझ लेते हैं। अब कोई भी प्लैनेट कितना असर डालता है, ठीक है, कोई भी प्लैनेट कितना असर डालता है ये चीज हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले अभी हम राशि का अलाइनमेंट कर लें। तो पहली चौथे नंबर सेल्फ किट का ये जो हाउस है वो किसको मिला है, कर्क राशि मतलब चंद्रमा को मिला है ना। फिर रिलेटिव्स का राशि मिला है सूर्य को, ठीक है, सिंह राशि को। छठे नंबर की है कन्या, कन्या राशि का क्या मतलब है, बुध, बुध मतलब छठे नंबर का क्या है, लोन, एनिमी, जो नहीं 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 ये हाउस कौन सा है, ये हाउस है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का हाउस क्या देता है, एक्स्ट्रा मेहनत, नेगेटिव सिबलिंग्स या एक्स्ट्रा मेहनत। तो छठे नंबर का मतलब है हमारा कन्या राशि, कन्या राशि का है बुध। तो बुध रूल करेगा कि इसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स होंगे नहीं होंगे, वो सब बुध डिसाइड करेंगे। तो ये एक तरह का, जैसे आप देखते हैं कि मंत्रियां अपॉइंट कर दिए जाते हैं, वैसे ही आपके जीवन के लिए अलग अलग प्लैनेट्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं। जैसे कि आप अपने सिक्स हाउस में देखिए नंबर 9 है, मान लीजिए नंबर 9 है, ये हाउस नंबर क्या है, 6 है, और इसमें राशि कौन सी है, नौवीं नंबर की राशि कौन सी है, धनु है। धनु राशि का जो स्वामी है वो कौन है, जुपिटर है, जुपिटर है। तो ये
हाउस कौन रूल कर रहा है? जुपिटर कर रहा है। नवे नंबर का हाउस का मतलब है भाग, सॉरी, छठे नंबर के हाउस का मतलब है लोन, एनिमी। इसको रूल कौन कर रहा है? जॉब। इसको रूल कर रहा है जुपिटर, मतलब इंसान माइंडफुलनेस हो सकता है। अभी हमने प्लैनेट्स नहीं डाले, अभी उसमें कईयों में लिखा होता है एक जगह पे मर्क्यूरी मार्स होता है, अभी हमने प्लैनेट्स नहीं डाले, अभी हम सिर्फ राशियों को डिस्कस कर रहे हैं कि ये हाउस में ये राशि होने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आपने अभी इस वीडियो में क्या सीखा कि भाई सबसे पहले अगर आपको अपना लग्न चार्ट देखना है तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये हाउस को बैठा लो, पहली चीज। दूसरी चीज, हर हाउस क्या बेनिफिट देता है, हर हाउस का क्या मतलब होता है वो सीख लो। ये दो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो ये खाली चार्ट भी आप देख के बता सकते हो, ये घर आपका सेल्फ का है, ये घर मदर का है, ये घर आपके सेवेंथ हाउस है, हस्बैंड और वाइफ, आपकी वाइफ हस्बैंड कैसे होंगे, या फिर आपका जो टेंथ हाउस है वो आपको बताता है कि आपका प्रोफेशन क्या होगा। तो ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि ये हाउस क्या है। फिर इसके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं, जो यूजुअली जो आप ऑनलाइन सर्च करते हैं या कुंडली बनी होती है उसमें जो नंबर लिखे होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं राशियों को, जो ये 12 राशियां। और ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना, ऐसे ही सीक्वेंस में चलेगा। अगर लग्न से स्टार्ट करना, अगर लग्न में 6 नंबर है तो ये 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, फिर 1 2 3 4 5, तो इस तरह से आपका हो जाएगा पूरा चार्ट। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना। सीक्वेंस के बाद में एक और चीज याद रखना कि कौन सा हाउस कौन रूल कर रहा है। अगर आपका लग्न चार्ट नंबर 4 से चालू हो रहा है तो नंबर 4 का राशि है कर्क, कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। ठीक है, अगर ये 5 से शुरू हो रहा है तो इसका राशि का इस कुंडली के स्वामी है सूर्य। ठीक है, और अगर यही राशि, ये लग्न चार्ट शुरू होता है नंबर 7 से, जो कि तुला है, जो कि शुक्र का नंबर है, तो ये इसका लग्न चार्ट का स्वामी कौन है? शुक्र। तो इस तरह से आप पूरे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके लाइफ के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो, या आपकी लाइफ का वो जो सेक्शन है वो कौन से प्लैनेट को मिला है। इससे आसानी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, मान लीजिए प्रोफेशन को लेकर स्ट्रेस हैं, तो इस कुंडली में अगर देखोगे तो प्रोफेशन आता है 1 नंबर पे। 1 नंबर किसका, 1 नंबर कौन सी राशि है? एरिस, जिसका स्वामी कौन है? मंगल है। तो आपको पता है कि अगर इसमें जो भी प्लैनेट होगा वो मंगल का साथी है या अगेंस्ट है, उस हिसाब से आप रेमेडी परफेक्टली कर पाएंगे और इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि आपको आगे जाके क्या करना है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसके पार्ट टू के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा, मैं इसका पार्ट टू में बिल्कुल पूरी जानकारी दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन पे आप इसको PDF वेट कर सकते हैं, आपको इस पे PDF मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। तो ये मैंने समराइज कर दिया है, फिर से एक बार लास्ट टाइम जाते जाते हम इसके 4 स्टेप्स को समराइज कर देते हैं। पहला आपको याद रखना है हाउस नेम, दूसरा आपको याद रखना है ट्रेड्स ऑफ हाउसेस, तीसरा आपको याद रखना है राशियों का सीक्वेंस, चौथा आपको याद रखना है राशियों के स्वामी, और फिर उसके बाद में कोई भी कुंडली आप उठा के देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि उसकी लाइफ के अंदर उसके इसकी जो रूलिंग राशि है वो कौन सी है, कौन सा सेक्शन ऑफ, जैसे मान लीजिए किसी रवि नाम के व्यक्ति की कोई कुंडली है उसमें आप बता सकते हैं कि उसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा है, उसका लग्न का स्वामी कौन सा है, वो इजीली बता पाएंगे, प्लस में उसके कोऑर्डिनेशन को बता पाएंगे। पार्ट टू में हम प्लैनेट्स को डीपली डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट्स इसमें डालेंगे तो कैसे देख पाएंगे। ये बेसिक्स है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आई कोई चीज़ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।